हेलो दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में और इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं नी 2024 के क्वेश्चन का जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन और चार ऑप्शन दिए हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है जैसा कि नाम से समझ में आता है रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें हो रही होंगी एक होगा रिडक्शन और एक होगा ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चल रहा हो रिडक्शन का मतलब क्या होगा रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो तो उसे रिडक्शन कहेंगे इसी तरीके से ऑक्सीडेशन को कहा जा सकता है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर और भी डेफिनेशन होते हैं बट इस क्वेश्चन कुछ, इस में इसी का इस्तेमाल करेंगे तो अगर इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर एक स्पीशीज़ का और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एक स्पीशीज़ का किसी एक रिएक्शन में साथ साथ हो रहा हो तो ऐसी एक रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे तो बेसिकली करना ये है कि इन सारे ऑप्शन में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और हम देखेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है जैसे कि अगर हम पहले एग्जाम्पल में पोटेशियम का प्लस वन ऑक्सीजन का माइनस टू और क्लोरीन का एक्स मान लें तो वन प्लस एक्स माइनस टू थ्री इससे सॉल्व करके निकाला हमने तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया प्लस फाइव आई टू एलिमेंटल स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा के आई ओ थ्री में अगेन पोटेशियम का प्लस वन ऑक्सीजन का माइनस टू तो आयोडीन का प्लस फाइव और सी एल टू एलिमेंटल स्टेट में है तो जीरो तो क्लोरीन का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें प्लस तो फाइव से जीरो जा रहा है यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है इसे कहेंगे रिडक्शन और अगर आयोडीन की बात करें तो जीरो से ये जा रहा है प्लस फाइव में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन यानी इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है तो ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा एच टू सी एल टू गिविंग टू एच सी एल एच टू सी एल टू जीरो है एच सी एल में हाइड्रोजन प्लस वन क्लोरिन पर माइनस वन हाइड्रोजन जीरो से जा रहा है प्लस वन ऑक्सीडेशन क्लोरीन जीरो से जा रहा है माइनस वन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा ऑप्शन थर्ड पे आते हैं बी में बेरियम पे प्लस टू क्लोरीन पे माइनस वन में सोडियम पे प्लस वन सल्फेट पे पूरे माइनस टू और सल्फर पे अगर हम देखें तो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होगा देन बी में अगेन बेरियम पे प्लस टू सल्फर पे प्लस सिक्स ऑक्सीजन पे माइनस टू एन पे सोडियम पे प्लस वन क्लोरीन पे माइनस वन so, का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है न क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है न सोडियम का न क्लोरीन का ये एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है ऑप्शन फोर में देखिए जिंक का जीरो कॉपर का प्लस टू सल्फर का प्लस सिक्स ऑक्सीजन का माइनस टू एंड जेड एन फोर में अगेन सल्फेट का माइनस टू होगा तो जिंक पे प्लस टू होगा कॉपर पे जीरो तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से प्लस टू हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का हो रहा है प्लस टू से जीरो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि रिडक्शन तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिकॉज थर्ड के अंदर में ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज नहीं हो रहा तो दोस्तों होप करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यूजफुल लगा होगा प्लीज अपने व्यूज कमेंट्स में लिखें चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय एंड टेक केयर